तो भाई कश्मीर की तीसरे दिन की जर्नी में मेरा नाम है आर्यन ठाकुर और आप देख रहे हैं उस्ताद व्लॉग्स। आज हम जाने वाले हैं गुरेज वैली, गुलमर्ग एक्सप्लोर कर लिया। सो अभी हम प्रेजेंट में हैं सोनमर्ग में, तो सोनमर्ग जितना हो सकता था हमने एक्सप्लोर किया। बर्फ़ नहीं है वो अलग बात है, बर्फ़ है मतलब थोड़ी है भाई। आज थोड़ी ना मुझे खांसी सी हो गई पता नहीं क्यों। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे गुरेज वैली को। सो सुबह के बढ़ चुके हैं लगभग 9 साढ़े 9 बज चुके होंगे, 9 साढ़े 9 से ऊपर ही होगा टाइम, ठीक है। सो अभी हम सीधा निकलेंगे सोनमर्ग से गुरेज वैली की तरफ। और आज का स्टे जो हमारा यहाँ था, यहाँ हमारा 2000 पर रूम के हिसाब से था, ठीक है। आपको होटल मैंने पिछले व्लॉग में बता दिया था क्या नाम है होटल का, ठीक है। तो अभी हम निकलेंगे सीधा गुरेज वैली के लिए। नीचे सभी लोग हैं, हवा आपको मिलाता हूँ नीचे जाके, लेट्स गो। फाइनली भाई सोनमर्ग में धूप जो है वो निकल चुकी है लेकिन मुंह से भाप नहीं रुक रही है। सो गाड़ी भी रेडी हो चुकी है अपनी, यहाँ पे देखो सामान वान पीछे रख दिया है, यहाँ पे स्टार्ट की हुई हैं दोनों गाड़ियाँ, क्योंकि थोड़ी देर भाई स्टार्ट करके रखनी चाहिए और थोड़ी देर धूप लगवा लेते हैं, इन्हें इंजन ठीक रहेंगे। इन्हें पीछे भी पैक हो गया सामान, मेरा एक बैग बचा है वो रख लेता हूँ मैं अंदर, एक सेकेंड रुको। सो भाई बात कुछ ऐसे है कि धूप की उम्मीद नहीं थी, हम तो बर्फ़ वाली उम्मीद लेके आए हुए थे। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो निकला, बर्फ़ नहीं तो धूप ही सही, ठीक है। तो भाई ये देखो यहाँ पे अपने भाई लोग फोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं, वो सामने का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारे थार बढ़िया बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो। अभी हम थोड़ी देर पहले कोल्ड स्टार्ट नहीं देखा अपने गाड़ियों का, इतने अच्छे तरीके से कोल्ड स्टार्ट हुआ है दोनों गाड़ियों का। पहले हमने वरना गबरू को स्टार्ट किया है, ठीक है, और -10 में है ना, बड़े सही से -10 है अभी टेम्परेचर। हाँ जी हाँ जी। ओए ओए। और आप हमारी वरना जो गबरू है, हमारी गबरू जो है, आओ मैं आपको दिखाती हूँ, आओ ये देखो हमारी गबरू फर्स्ट स्टार्ट में हो गई थी। फर्स्ट क्या बोलते हैं, पूरी गाड़ी पे, ये तो मैंने अभी ध्यान दिया और ये तो हट भी नहीं रही। ओ शिट यार, ये तो अनएक्सपेक्टेड ही था। ये देखो भाई पानी जमा हुआ है, पानी सारी बोतलें जम गई हैं। हाँ जी सब भाई, अंदर जो बोतलें थी ना गाड़ी के अंदर वो भी जम चुकी हैं लिटरली भाई। ठंड ऐसी ही होती है असली। पहली सेल्फ में, चलो दोनों गाड़ियां पहली सेल्फ में स्टार्ट होगी, मतलब मेंटेनेंस अच्छी है दोनों की, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। परफॉर्मेंस तो मेंटेनेंस तो है, परफॉर्मेंस अच्छी है दोनों गाड़ियों की। ये चली है 40,000 चली है ना गबरू, गबरू कितने किलोमीटर, 52,000। गबरू जी को ध्यान ही नहीं है कुछ, 52,000 गबरू चल गई है। हाँ। 30 प्लस हमारी थार हो गई है, मतलब भूंजा एक साल के अंदर 52 ये और 30 प्लस वो। भाई गाड़ियां चलाते नहीं है, उड़ाते हैं ये। अच्छा हम बोल रहे थे कि आज हमारा प्लान है गुरेज वैली जाने का। हाँ वो तो बता दिया मैंने। तो हम यहाँ से श्रीनगर, श्रीनगर से गुरेज जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं अगर स्नो में थोड़ा सा और अगर हमें खेलना है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि चलो स्नो में खेल के जाते, तो हमें सामने वाले पहाड़ पे जाना पड़ेगा ट्रैक करके, थोड़ा सा ट्रैक है वो, देखो सामने वाले पे तो है बर्फ, ऐसी बात है, बर्फ तो है। इतने तो पुशअप मारने हैं। यस, हम उस्ताद की एक वीडियो बनाएंगे, जैकेट वगैरह खोल के उसकी पुशअप। हां पुशअप मारेंगे, देखेंगे, कोशिश पूरी रहेगी भाई पुशअप मारने की। सारे ग्लव्स वगैरह डाल के पैक हो गए सारे। हां भाई ग्लव्स डाल लिए हैं पूरे, क्योंकि माइनस माइन ये देखो भैया जी भी पूरा रेडी हो गए हैं, मफलर डाल गए हैं। हाथ सुन, हाँ मेरा सुन हो रहा है हाथ अभी भी। चलो भाई अभी चलते हैं, गाड़ियां आ रही हैं बैक।
चुके हैं और यार मेरी ना थोड़ी तबीयत सी ऐसे हो रही है ढीली सी, पर कोई बात नहीं, हमें मेडिकल स्टोर भी दिख गया यहाँ पे और ढाबा भी खाएंगे और उसके बाद दवाई खाएंगे और फिर से पावर में आ जाएंगे, एनर्जी में। एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही है मेरी ना, अभी दोबारा से एनर्जी रीबूट करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, ये देखो हमारे पास इंस्टा 360 भी आ गया, लेकिन यार इसमें मेमोरी कार्ड है नहीं, पर कोई बात नहीं, हम ऐप से जुगाड़मेंट करके वीडियो वगैरह बना लेंगे। ठीक है, ये रहा ढाबा, पॉइंट व्यू ढाबा है और यहाँ पे अपनी थार और यहाँ पे वरना और यहाँ पे जस्सी डोन जी। नहीं आ जस्सी, खुश लग रहे हो आप, चलो कोई नहीं, अभी ढाबे पे चलते हैं भाई, खाते पीते हैं, फिर उसके बाद अगला प्लान करते हैं। सीट बेल्ट खोल लेता हूँ थोड़ा ना, पता नहीं क्या हुआ है, जो दर्दे दर्दे होने लग पड़ी शरीर में। ठीक है, तो दवाई दवाई लेके आना अगर आप आ रहे हो तो, आई बाहर निकलता हूँ भाई, मैंने ग्लव्स ग्लव्स डाल के रखे हैं वहाँ किसी भी सिस्टम की, डकार भी आप आ गए जाके गैस के। भाई भाई ये रहा पीछे ढाबा हमारे, और भाई यहाँ पे अभी खाने की उम्मीद है, और यहाँ पे अपने ये है ढाबा और उधर फार्मासिस्ट की दुकान है, मैं जाके आता हूँ वहाँ पे, कुछ लेके आता हूँ दवाई दुई ना, एनर्जी तभी आएगी। ठीक है, दवाई का भी सीन सॉर्ट हो गया, भैया जी ने फुल पावर में दवाई दुई रखी है। भैया जी है ना आप पे दवाई? हाँ हाँ, मेरे पे पड़ किसी पड़ गया, अरे पता नहीं है, आर यू फीलिंग लो? हाँ आई एम फीलिंग लो, पता नहीं ये इसीलिए क्योंकि ठंड लग गई। हाँ ठंड लग गया, हाँ नहीं गया, ठीक है कोई नहीं, धीरे धीरे ही एक्सपीरियंस आएगा, धीरे धीरे ही बॉडी जो है ऐसे टेम्परेचर्स में ढलना शुरू करेगी। कोई बात नहीं, होता रहता है, तो भी खाते अभी कितने रह गए यहाँ से देख, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, परांठे दही और दाल थी भाई, मज़ा आ गया, और कॉफ़ी भी थी, पर मैंने कॉफ़ी नहीं पी क्योंकि मैंने दवाई खानी है। अभी पैरासीटामोल ले लिया मैंने, तो अभी पैरासीटामोल खाऊँ अंदर बैठ के, फिर निकलेंगे और थोड़े से कपड़े भी चेंज कर लेता हूँ, थोड़े मोटे वाले डाल लेता हूँ मैं, टोपी भी ले आया देखो, रुक जा भाई, चलो ठीक है मिलते हैं फिर रास्ते में, आपको रास्ते की व्यू दिखाते दिखाते। यहाँ पे रुके हुए थे गाड़ी वगैरह धुलवाने के लिए, सो एक अंकल मिले सामने दुकान के, उन्होंने हमें बताया कि ये अखरोट है, वो चेरी के पेड़ हैं, वो परे लगे हुए जो, और जो वहाँ नीचे लगे हुए हैं वो हैं सेब एप्पल के। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली सीन ऐसा है कि कपड़े की दुकान है ना उनकी, तो वो कहते हैं कि मैं कपड़े वगैरह लेने जाता हूँ लुधियाना वाली साइड, तो उधर जाता रहता हूँ, बाकी इधर घर बने हैं। मैंने पूछा कि यार एक मिनट रुको यार, गूगल मैप बंद कर लेता हूँ। अंकल कहते हैं यहाँ पे मतलब 2.5 करोड़ के घर बने हैं, बाहर अभी पलस्तर वगैरह नहीं करवाया बंदों ने, पर अंदर से पूरा इंटीरियर फुल पावर में है। तो हमने पूछा यहाँ पे कि लकड़ी वगैरह का क्या सीन है, कि जो लकड़ी होती है वो किसकी जलती है, बोलते अखरोट की लकड़ी जो होती है ना वो लोग लगाते हैं, क्योंकि वो ना इलीगल है काटना वगैरह, तो काटना तो इलीगल है बट फिर भी लोग लगाते हैं तो ऐसा सीन है, मतलब थोड़ा पूछा यहाँ के बारे में, अच्छा लगा काफ़ी सुन के। तो अभी गाड़ी वगैरह धुलवाएंगे उसके बाद गुरेज वैली के लिए, तो स्टे ट्यून्ड, मज़ा आएगा। गाड़ी तो धुल चुकी है, सामने भैया जी गाड़ी धुल रही थी, भैया जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं भाई वहाँ पे बंदे, काफी अच्छा लगा देख के। क्यों जस्सी भाई, सही बात है भाई, जस्सी भाई आपके अच्छे साथ लोग थे, आपके साथ कब लेंगे सेल्फी भाई? हमारे साथ लेते हैं, लड़कियां लेती हैं। नहीं यार वह जो जस्सी भाई ने तो दिल की बात बोल दी आज पहली बार। नहीं यार ऐसे क्यों बोल रहे हो यार भाई, हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं। कितने बजे तक पहुंचा दोगे आप मुझे? भाई गाड़ी चली हुई है तेरे सामने ही, अब तुम थोड़ा सा बीमार पड़ गए इस वजह से हम थोड़ा सा धीरे हो गए हैं। यार मेरा तो क्या ही है, चल छोड़, मुझे तो तुम फेंक देना रास्ते में। ना बताओ ना, स्ट्रगल इज रियल फॉर योर सब्सक्राइबर्स। यस ब्रो, स्ट्रगल इज रियल। भाई जो जो सिंगल लड़कियां हैं उनको बता देता हूँ, आर्यन कमिटेड है। आर्यन कमिटेड अपने स्प्लेंडर के साथ। आर्यन सिंगल नहीं है, आर्यन सिंगल नहीं है, आर्यन अपने आईफोन के साथ कमिटेड है, बाकी मैं सिंगल हूँ। जस्सी तो बहन का, जस्सी तो ऊपर से लेके नीचे तक सिंगल है देखो। बोल दे जिस जो लड़की देखता है उसको भी बोल देता है।
हाँ भाई शरीफ है, इससे बच के रहना शरीफ लोगों से। चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। बिल्ली बच गई भाई, बिल्ली रगड़ दी थी आज जस्सी ने, बिल्ली बच गई भाई। व्यू में गाड़ी का बम्पर लग जाता, कोई चक्कर नहीं, पर जानवर नहीं बनना चाहिए गाड़ी। व्यू में इतना ध्यान था भाई, बच गई बिल्ली। चलो इसके तो डिग्गी बच गई, चलो कोई नहीं, अभी व्यू तो देखो तुम इधर का, चलो बढ़िया है। वरना की ऐसी ब्रेक मारी थार बजती है बीच में आगे पीछे से। पर यार जस्सी कहता जानवर बचना चाहिए, गाड़ी डूब जाए कोई बात नहीं। वाह जस्सी वाह, मान गए तुझे। कैसा लग रहा है जानवर बचा के? बड़ी अच्छा लग रहा है। और अपनी गाड़ी भी, गाड़ी का क्या बन जाती है नहीं। यस जानवर बचा दिया, बिल्कुल बिल्कुल जस्सी भाई ने बचा लिया भाई बिल्ली को। अभी हम देखते हैं आगे का क्या सिस्टम है। लेक तो दिख गई रास्ते में, अब आगे देखते हैं। कई बार क्या होता है यहाँ पे कि कई स्कैम में ऐसी पर्चियाँ काटते हैं, फालतू के पैसे बनाते हैं, कोई मतलब होते नहीं है वो असली वाले, ऐसे ही होते हैं नकली खड़े हुए पैसे वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखें। अभी गुलेज वैली वाले रास्ते में हम मतलब गूगल मैप से लगाया वैसे तो, और रास्ते में लेक भी आई। ये मतलब इंडिया की जो है, इंडिया नहीं सॉरी एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम चेक करो आप, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा लाइव अपडेट की क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो स्टे ट्यून। वगैरह लगेगी यहाँ पे, आर्मी वाले थे और पुलिस वाले, उन्होंने कहा कि आगे जाने के लिए तो परमिशन लगेगी, सो भी वापस जाना पड़ेगा। जस्सी भाई तो डिसअपॉइंट हो गए हैं। कोई नहीं, अभी पीछे खड़े होते हैं, फिर थोड़ा देखते हैं क्या सीन बनता है। आगे जाने के लिए तो लगेगी परमिशन, डिसअपॉइंट हो गए हैं। हाँ जी भैया जी, आगे तो परमिशन लगेगी भाई। लोग अभी पुलिस स्टेशन आए थे यहाँ पे, तो परमिशन वगैरह तो नहीं मिली यहाँ पे। वो कह रहे कि डीसी ऑफिस जाओ, वहाँ पे परमिशन मिलेगी। तो अभी डीसी ऑफिस जाने की तैयारी है, तो वहाँ चलेंगे अभी हम और वहाँ से परमिशन ले सकते हैं। देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है। स्टे ट्यून्ड। मित्रों पहुँच चुके हैं अभी हम डीसी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बांदीपुरा। तो यहीं से परमिशन मिलेगी अगर आप भी आ रहे हैं इधर गुरेज। कहाँ पे रह गए? तो फाइनली गुरेज